हेलो ऑल, वेलकम टू मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल। अभी लास्ट मंथ में AMI सेक्शन ए और सेक्शन बी का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें आप सबको पता है कि मॉड्यूलेशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। जो एग्ज़ाम हुए थे उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के सीरीज चलाए थे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके सिलेबस का, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था और हमारे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो पोस्ट किया था, जो सबके लिए था और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट्स भी मिला, काफ़ी लोगों ने उसका एडवांटेज उठाया और उसके बेसिस पे उन्होंने अच्छा पेपर दिया है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप पेपर को और जैसे बताया जा रहा सिलेबस को सही तरीके से एनालाइज करेंगे। इफ़ यू एनालाइज द पेपर इन द परफेक्ट मैनर, देन यू कैन अप्रोच टू राइट द प्रॉपर आंसर। जब तक आप सही तरीके से एनालाइज नहीं करेंगे, अपने आंसर को सही तरीके से आप नहीं लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। तो जितने भी सब्जेक्ट थे इधर सेक्शन ए और सेक्शन बी के, आप देखेंगे तो विच मॉड्यूल ऑफ द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी ऑल थिंक टू बी डिस्कस इन आवर यूट्यूब चैनल, और उसका एडवांटेज आपको मिला। जैसे पिछले सेशंस में आपने देखा होगा कि हम लोग अब उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो विंटर 2020 यानी लास्ट मंथ जो आपका हुआ था। तो आपको पता है कि मैं मैकेनिकल सेक्शंस को डील करता हूँ। ये आपको ना लगे कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पेपर डिफ़िकल्ट वे में पूछा जाता है या कम टाइम में नहीं पूरा किया जा सकता है। मैंने ऐसे आपको कंटेंट बताया था YouTube चैनल के माध्यम से, अपने आप तक बातों को पहुंचाया था कि आप उसी पॉइंट को फोकस कर रहे जो सिलेबस में आपको डिस्कस करके बताया जा रहा है, एनालाइज करके बताया जा रहा है कितने आवर किस पार्ट पे देना है, और उसी तरह से हूबहू पेपर पूछा गया। चाहे जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, उन सभी के लिए था। और अपने से अगर सेल्फ स्टडी करके आपने किया होगा और उस चीज़ को फोकस करके पढ़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात आप स्कोर करेंगे अच्छा और पेपर आपका अच्छा गया होगा। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े थे, आइदर हमारा वीडियो लेक्चर उन्होंने लिया था, स्टडी मटेरियल लिया था, उनको काफ़ी एडवांटेज मिला होगा क्योंकि एकदम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा गया। पिछले सेशंस में मैंने सेक्शन ए का पेपर फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो लास्ट मंथ में पेपर हुआ था उसको लेकर डिस्कस किया था, और मैंने बताया था कि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आया है हमारे वीडियो लेक्चर से, और स्टडी मटेरियल से तो एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आया। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चार क्वेश्चंस होते हैं ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, उसमें से दो आंसर करने होते हैं तो ये आपके लिए आसान बन जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू आंसर। तो आप इसको फोकस करें, जो आगे वाला एग्ज़ाम आने वाला है अभी से आप दो दो घंटा एक एक घंटा पढ़ेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। आपको किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 30 आवर टाइम निकालना है, 30 घंटे टाइम निकालना है, और आप पेपर को आसानी से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हमारा कॉन्टेंट यूट्यूब पर है, उसके अनुसार आपको पढ़ना होगा। जो हमारे फैकल्टीज हैं वीडियो ऐसे ही बनाए हैं ताकि आपको सही तरीके से कम टाइम में आपका पेपर क्लियर करा पाए। स्टडी मटेरियल भी हमारा इफेक्टिव है, लेकिन मेरा सजेशन है कि जब भी आप यहाँ से वीडियो लेक्चर लें साथ में स्टडी मटेरियल भी मंगा लें। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप वीडियो देखेंगे और स्टडी मटेरियल में ऐसे मार्क करते जाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है चीज़ों, क्योंकि आप जॉब होल्डर हैं तो उसमें आप मार्क करते जाएँ और लास्ट में एक दो दिन पहले उसे रिवाइज कर लें, देख लें, क्योंकि बार बार वीडियो को नहीं देखा जा सकता है ना, तो उस चीज़ को आप देख लें। तो साथ में ज़रूर मंगाएं, अच्छा से आपका पेपर क्लियर होगा विथ गुड ग्रेड्स, मतलब अच्छा ग्रेड, हाई ग्रेड आप ला सकते हैं अगर आप ज़रा सा भी ध्यान दें। तो जैसे हम लोगों ने एग्ज़ाम से पहले थर्मल साइंस आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो विंटर 2021 में मैकेनिकल सेक्शन बी में कंपलसरी सब्जेक्ट है थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग। एग्ज़ाम से पहले जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो है थर्मल साइंस इंजीनियरिंग
आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा सिलेबस एनालिसिस, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है जो आसानी से पेपर को क्लियर किया जा सकता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है, टू द पॉइंट आया है, कोई टफ पेपर नहीं आया। नहीं पढ़ने वालों के लिए टफ ही लगता है, तो पेपर आसान था। चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं और समझते हैं, और फिर आप आगे एग्ज़ाम जो देने वाले हैं वो अभी से लग जाएं। हमारे पास स्टडी मटेरियल है, इफ़ेक्टिव स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप ले लें और अभी से अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर दें। एक एक दो दो घंटा पढ़ेंगे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा थंबनेल है, विंटर 2021 मैकेनिकल सेक्शन बी थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है। पेपर डिस्कशन, जो पेपर हूबहू आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट मंथ में, उसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस सेगमेंट से आया, किस मॉड्यूल से आया और कैसे अप्रोच किया जा सकता था और अच्छे ग्रेड लाया जा सकता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं जो आपको पता है। ग्रुप ए में 4 क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप बी में 4 क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप सी जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। ग्रुप ए से 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ग्रुप बी से भी 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, और ग्रुप सी जो होता है आपका कंपलसरी होता है। ग्रुप ए से 40 मार्क्स, ग्रुप बी से 40 मार्क्स और ग्रुप सी का वेटेज 20 मार्क का होता है। 40+40 80 हो जाता है, इसी में ग्रेड आपके बन जाएंगे अच्छे, अगर आपने फोकस किया होगा तो। स्टार्ट करते हैं, चलिए पेपर को देखते हैं हम लोग। ये अपना रहा ग्रुप ए, और ग्रुप ए में जैसे आपको पता है कि 4 क्वेश्चंस इज आस्किंग नाउ आंसर, यानी 2 क्वेश्चंस, आप किसी 2 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। काफी आसान सटीक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था जैसे बताया गया था। जैसे आप पहला क्वेश्चंस देखिए, सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया आपसे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट का ए, डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दिस इज द बेसिक। मैंने बोला था कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लें, एक ओवरव्यू आइडिया आप लगा लें, और सवाल ऐसे पूछा, ऐसे ही पूछा गया, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल मास। सिंपल सी सवाल था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल मास में क्या डिफरेंसेस हैं। वी ऑल नो डैट थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द बेसिक पार्ट एंड बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द थर्मल साइंस इंजीनियरिंग और थर्मोडायनेमिक्स पेपर। एवरीथिंग इन द थर्मल साइंस इंजीनियरिंग टू बी एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड इट टेल्स दैट द फिक्स रीजन इन द स्पेस अपॉन विच आवर कंसंट्रेशन इज फोकस्ड। स्पेस का वैसा एक फिक्स रीजन जिस पे आपका कंसंट्रेशन फोकस्ड हो, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपके लिए बन जाता है। एंड एनी थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, एनी थिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, यही डेफिनेशन आपको मिल जाता है। और ये हमारे स्टडी मटेरियल में काफ़ी अच्छे से डायग्राम के साथ मिला। एंड वी ऑल नो डैट द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज ऑल्सो जनरली डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट, द वन इज ओपन सिस्टम, सेकेंड इज क्लोज सिस्टम एंड थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। ऑल दिस 3 सिस्टम टू बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी इंट्रैक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ये सिंपल सी सवाल ऐसे लिखना था, we all know that in the open system the mass and energy both are interacted from system to surrounding, and the boiler, so many example of the open system is existing in nature, like we are, if you are working in industry, power plant industry,
एंड अनदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यू कैन सी डैट, यू कैन विजुअलाइज दैट लाइक द लाइक अ बॉयलर, लाइक अ कंप्रेसर, लाइक अ पंप, ऑल दिस आर द ओपन सिस्टम. बट द रिस्ट्रिक्शंस टू बी देयर when the mass is not interacted from system to surrounding but energy can, that type of the system is called closed system. The restriction will be there. And now this system like a pressure cooker is a closed system. Piston cylinder arrangement without valve is a closed system. And third one is the isolated system where neither the mass or energy to be interacted from system to surrounding is called isolated system. And the best example of the isolated system is universe. Universe is the best example of the isolated system. Is tarah se aapko likhne the. And we know that the another way, the control volume and control mass, the control volume is called the space in the region where the mass and energy both are interacted. It means control volume is nothing but it is like open system and the control mass is like a closed system. Control volume jo hota hai open system hota hai aur control mass jo hota hai closed system hota hai. If you go through the basic definitions of the first part of the thermal science engineering, it's thermodynamic system and the classification of thermodynamic system. All this thing to be easily 5 number ये आसानी से लिखा जा सकता है. इसमें कोई चीज था ही नहीं, बेसिक था. सेकेंड बी पार्ट, what do you understand by the path function and point function? Also this is asking from the introductory module or introductory chapters. Path function and point function, why does free expansion have zero work transfer? Path function and point function, we all know that there are two type of the functions can be analyzed in the thermodynamic system. The one is point function, the other is path function. Some properties are, some thermodynamic properties are point function and some thermodynamic properties are path functions. Point functions means that is only depend upon the end conditions of the process, but the path function is depend upon the path followed by the system. That is the basic definition. The point functions, it means the all thermodynamic properties which are to be the point function, it only depend upon the end point of the system, end point of the process. Ki sirf aur sirf jo state change ho raha hai, जो कंडीशंस चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा. इट नॉट डिपेंड अपॉन द विच पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. इट मींस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इज कॉल्ड पॉइंट फंक्शन. लाइक एंथैल्पी इज द पॉइंट फंक्शन, एंट्रोपी इज द पॉइंट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन. दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन द एंड कंडीशंस ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस. But the path functions like heat and work is the best example of path function, because the heat and work is totally depend upon the path followed by the system. So ye basic definition likhna tha aapko is tarah se. Why does free expansion have the zero work transfer? We know that the free expansion is the application of first law of thermodynamics. The free expansion is the example of फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ. अगर आप देखें यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम, इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन. कि अगर वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन होने लगे तो उसे आप कहते हैं फ्री एक्सपेंशन. एंड फ्री एक्सपेंशन इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है. और होता कैसे, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं.
जैसे क्वेश्चन पूछा गया फ्री एक्सपेंशन, अब देखेंगे फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता, मैं एग्जाम डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, दिस इज वेरी इजी टू आंसर इच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग। फ्री एक्सपेंशन, सपोज दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम लाइक दैट, इट मीन्स देर इज नो एनर्जी एंड मास इंट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एंड दिस इज अ वॉल एंड दिस इज वैक्यूम, और ये गैस है। गैस प्रेशर की वजह से, गैसियस मॉलिक्यूल की वजह से सपोज सम एक्सपेंशन टू बी हैपन फ्रॉम वैक्यूम, द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम है, वाल से आपने सेपरेट किया है, लेकिन प्रेशर, यहाँ पे अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो प्रेशर डेवलप होगा, इस प्रेशर की वजह से अगर इसका एक्सपेंशन वैक्यूम के अगेंस्ट होने लगे, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन एंड दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बट द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग इन द फ्री एक्सपेंशन वाई द वर्क ट्रांसफर इज जीरो। द वी नो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, द हीट एंड वर्क इज द पाथ फंक्शन एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन। नाउ इन द फ्री एक्सपेंशन दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, इन द आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स देर इज नो एनी हीट इंट्रैक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, इट मीन्स द हीट इंट्रैक्शन विल बी जीरो। नाउ दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, इन द आइसोलेटेड सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स डी यू इज ऑल्सो जीरो, जीरो प्लस डी डब्ल्यू इज जीरो, सो फ्रॉम दैट द डी डब्ल्यू इज जीरो, इट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द एनालिसिस इन द फ्री एक्सपेंशन द वर्क ट्रांसफर इज जीरो। तो आपको इस तरह से फिगर बना के चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, तभी आप अच्छा कर सकते। यू गॉट दिस पॉइंट, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना था और ये सारे हमारे कॉन्टेंट में अवेलेबल है। तो समझ में आ गया होगा कि why does free expansion have the zero work transfer, because this is the isolated system, work transfer is zero due to the no heat interaction from system to surrounding and there is no internal energy in the system, so इसीलिए बोला जाता है in the free expansion process there are some point to be concluded, in the free expansion process the some point to be concluded because in that situations the change of internal energy is zero, it means the final minus initial change is zero, it means in that conditions the final and initial internal energy will be same, sahi hai, is tarah se this is the most important conditions of the free expansion process, and we all know that the internal energy is the function of temperature, internal energy is the function of temperature, so that the final temperature is equal to the initial temperature, the final temperature is equal to the initial temperature, if you go through like that when temperature profile agar aap banayenge iska to first of all the temperature to be decreases but after the expansion the temperature is increases, it means like that, this is the temperature profile of the free expansion process, it is called initial temperature and this is called final temperature, this is called initial temperature and this is called final temperature. So I hope aapko samajh mein aa gaya, all these are the conditions which are associated with the free expansion process. And now the C part is numerical part having 10 marks, do teen line do teen step ka question hai and the weightage is 10 marks and we can a system containing 0.25 meter square
ऑफ एट ए प्रेशर ऑफ 4 bar and 50 degrees C द एरिया ऑफ द सिस्टम इज गिवन लाइक दैट एंड द इनिशियल प्रेशर इज 4 bar एंड ऑल्सो टेम्परेचर इज 50 degrees C एक्सपेंड आइसेंट्रॉपिकली इट मीन्स द आइसेंट्रॉपी आइसेंट्रॉपिकली मस्ट मीन्स एंट्रोपी विल बी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी विल बी सेम टू अ प्रेशर ऑफ 1 bar एंड आफ्टर दिस गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टिल द एंथैल्पी इंक्रीजेस बाई 60 kJ कैलकुलेशंस कैलकुलेट द वर्क डन वी ऑल नो डैट dH इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है mCp∆T dH इक्वल टू क्या होता है mCp∆T एंड वी ऑल नो डैट dQ = dU + pdV होता है। इसके हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से किया जा सकता था। आप सिर्फ डेटा पुट करते और यहाँ पे वैल्यू को कैलकुलेट, हमें इंथैल्पी इंक्रीज जो हो रहा है वो दिया हुआ है, हमें वर्क निकालना था एंड pdV इज कॉल्ड वर्क ट्रांसफर, रिवर्सिबल वर्क हो रहा है और यहाँ आइसेंट्रोपिकली हो रहा है तो इसका मतलब है ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इस कंडीशन से आप कैलकुलेट कर सकते थे। काफ़ी आसान था सवाल अगर आपने अटैम्प्ट किया होगा, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। एंड ऑल दिस एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल टू बी एक्सप्लेन इन आवर वीडियो लेक्चर एंड आवर स्टडी मटेरियल, सभी पे एग्जांपल सेट करके दिया गया है। सेकेंड डे 2 questions का आंसर करना था लेकिन सब आंसर आप कर सकते थे, यू हैव मल्टीपल चॉइस, आपको कौन सा आंसर करना था वो आप पे डिपेंड करता। फर्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड दिस इज फ्रॉम द बेसिक चैप्टर एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन, सेकेंड लॉ से एक क्वेश्चन, प्योर सब्सटेंस से एक क्वेश्चन, एंट्रोपी से एक सवाल, और फिर ग्रुप बी में मैंने बताया था कि आप रेडिएशंस पढ़ लेंगे, हीट एक्सचेंजर पढ़ लेंगे, कंडक्शन टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन रेडिएशन और हीट एक्सचेंजर से भी आपका काम चल जाएगा। सवाल ऐसे ही आया होगा। सेकेंड का है राइट द केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी ऑल नो दैट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द क्वालिटेटिव लॉ एंड देयर द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डिफाइंड बाई टू फेमस साइंटिस्ट, द वन इज केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एंड द अनदर इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द हीट इंजन, नाउ द क्लॉसियस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। देर आर 2 types ऑफ द मशीन इज अवेलेबल, द वन इज हीट इंजन द पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस एंड द पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस, द हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर इज द पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस एंड नाउ द हीट इंजन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो इसी पे पूछ लिया, वी ऑल नो डैट केल्विन प्लैंक्स क्या कहता है कि नो एनी सिस्टम, इट स्टेट दैट केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट व्हेन अ सिस्टम इज वर्किंग ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल इट कैन नॉट प्रोड्यूस वर्क इथ अ सिंगल रिजर्वायर, कभी भी ये सिंगल रिजर्वायर के साथ वर्क को प्रोड्यूस नहीं करेगा। इफ इट कैन बी पॉसिबल इट मीन्स इट वायलेट द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड दैट इज कॉल्ड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। तो ये काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। नाउ द क्लॉसियस स्टेटमेंट स्टेट दैट, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम द लोअर बॉडी टेम्परेचर टू हायर बॉडी टेम्परेचर, इफ इट कैन पॉसिबल सम एक्सटर्नल वर्क इज अप्लाइड, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, जैसे रेफ्रिजरेटर काम करता है। आसान था। स्टेट एंड प्रूफ क्लॉसियस इनइक्वालिटी, वी ऑल नो दैट क्लॉसियस इनइक्वालिटी, द साइक्लिक इंटीग्रल क्या कहता है, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ∆Q/T लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी, इफ इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ इज लेस देन 0 इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड इम्पॉसिबल साइकिल। तो दे आर क्लॉसियस इनइक्वालिटी, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ∆Q/T ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, व्हेन इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल, व्हेन लेस देन 0
इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू जीरो फॉर ग्रेटर देन जीरो फॉर इम्पॉसिबल साइकिल। नाउ सेकेंड पार्ट, अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 602 एंड इतना ड्राइव अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन 37°C एंड 18°C। द इंजन रिसीव 2000 kJ ऑफ हीट एंड नेट वर्कआउट आउटपुट फ्रॉम द अरेंजमेंट इक्वल टू इतना। जब ये कह रहा है कि यहाँ पे एक हीट इंजन है जिसका टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है एंड नाउ द अनदर इज रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग इतना एंड द हीट रिसीव बाय द इंजन इज गिवन एज। नाउ द नेट इफेक्ट ऑफ द वर्क इज 350 kJ। इट मीन्स डब्ल्यू नेट मीन्स डब्ल्यू हीट इंजन प्लस डब्ल्यू रेफ्रिजरेटर इज गिवन एज 350 kJ। ऑन द बेसिस ऑफ डैट आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते, यहाँ से कॉप निकाल लेते, कंबाइंड कर देते, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाता। इट मीन्स द कम्प्लीटली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड मल्टीपल क्वेश्चन इज डिस्कस ऑन आवर वीडियो लेक्चर। तो आसान था, कोई बड़ी बात नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। डिफाइन द टर्म ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। एट द ट्रिपल पॉइंट थ्री फेजेस ऑफ द सब्सटेंसेस आर मिक्स टूगेदर। लाइक पीटी डायग्राम आप देखते हैं, पीबी डायग्राम देखते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब ये होता है जहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर एक दूसरे के साथ मिट करते हैं उसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। द पॉइंट एट विच वेर द सेचुरेटेड लिक्विड एंड सेचुरेटेड वेपर आर मिट एट ए पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। बट एट द ट्रिपल पॉइंट देर आर थ्री फेज को एग्जिस्ट टूगेदर। आइदर इट मीन्स एट दैट पॉइंट द सॉलिड विल बी देयर, द लिक्विड विल बी देयर एंड द गैसियस विल बी देयर। इट मीन्स द वाटर इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द ट्रिपल पॉइंट ऑफ, इसीलिए बोला था ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इट मीन्स ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द सबलिमेशन इज द सॉलिड, एब्लिमेशन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस एंड नाउ द फ्यूजन कर्व इज ऑल्सो देयर। तो ये डेफिनेशन था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। ट्रिपल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट 4 marks वेटेज था, आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते थे इसे। बी पार्ट है डिफाइन एंट्रोपी, प्रूव दैट एंट्रोपी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ये जो क्वेश्चन बी है, एग्जाम से पहले मैंने मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल पे हूबहू ये क्वेश्चन डाला था कि एंट्रोपी क्या होता है। आप ये बताएं कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। मैंने एक साइकिल का एग्जाम्पल लेके उसे बड़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था कि एंट्रोपी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकॉज इट डिपेंड ओनली एंड कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी मेजर द रेंडमनेस डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिकुल्स। तो ये वीडियो ऐसे ही मिल जाएगा हूबहू जब आप देखेंगे। ये भी आसान था, थ्योरेटिकल सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं था। सेकेंड पार्ट, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एक्चुअल गैस टर्बाइन विद द हेल्प ऑफ पीबी एंड टीएस डायग्राम। इसमें है क्या, जब आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे रैंकिन साइकिल का, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्चुअल गैस टर्बाइन, जब आप गैस टर्बाइन का देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पीबी एंड टीएस डायग्राम। वी ऑल नो दैट द गैस टर्बाइन इज बेसिकली इज कॉल्ड ब्रेटन साइकिल। गैस टर्बाइन किस पे काम करता है, ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, और यहाँ पे पीवी टीएस डायग्राम पे आप आसानी से इसे एक्सप्लेन कर सकते थे बिकॉज द ब्रेटन साइकिल कंसिस्ट टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस एंड टू एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी देयर। तो आप आसानी से पीवी और टीएस डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकते थे। डी पार्ट है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंट्रोपी चेंज इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देर आर फोर, इन द केस ऑफ गैसियस स्टेटस देर आर थ्री कंडीशंस टू ड्राइव द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। द फर्स्ट द रिलेशन विद प्रेशर एंड टेम्परेचर, द सेकेंड विल बी द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड थर्ड विल बी द प्रेशर एंड वॉल्यूम। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज ऑफ एंट्रोपी इन द टर्म्स ऑफ
टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, एंड वी नो दैट इन द केस ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस डेल एस इक्वल टू रिटेन एस सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस आर एल एन वी टू बाई वी वन। यही रिलेशंस है, और ये रिलेशन किससे मिलता है, टी डी एस इक्वेशन से मिलता है। एंड वी नो दैट देर आर टू टी डी एस इक्वेशन विल बी देयर, द वन इज एसोसिएटेड विद द इंटरनल एनर्जी एंड अनदर इज विथ एसोसिएटेड विद द एन्थैल्पी। तो आसानी से ये कोई चीज, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ये तब आसान है जब आप जैसे बताएंगे वैसे आप किए होंगे। नाउ फोर क्वेश्चन आपको लगे नहीं, आपको दो ही आंसर करने थे, फर्स्ट और सेकेंड कर सकते थे, लेकिन थर्ड भी आपके पास ऑप्शंस हैं, फोर्थ भी आपके पास ऑप्शंस बने। देखिए एक भी सवाल बाहर से नहीं है, ड्राइव द क्लैपेरॉन इक्वेशन, बेसिकली इसका नाम होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट गिव प्योर सब्सटेंस का क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे। एंड वी ऑल नो दैट द क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस इज गिव द स्लोप ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड दैट इज इक्वल टू द एच एफ जी डिवाइडेड बाई टी वी जी माइनस वी एफ। हियर एच एफ जी इज द इंथैल्पी ऑफ द वेट स्टीम, इट मीन्स लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर विल बी देयर एट दैट स्टेज, द इंथैल्पी इज कॉल्ड एच एफ जी। एंड नाउ टी इज द टेम्परेचर, वी इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैसेस, एंड वी एफ इज ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एट दैट स्टेज। एंड नाउ डी पी बाई डी टी इज द स्लोप। ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन एक्चुअल इक्वेशन है, उसी को डिराइव करना था, और काफ़ी दो तीन स्टेप में ये डेरिवेशन हो जाता है, यही बेसिक रिजल्ट आपको मिलता। नाउ बी पार्ट एक्सप्लेन द टर्म ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एंड वी मैंने ये पहले इम्फेसाइज किया था आपको कि यू मस्ट गो थ्रू द साइकोमेट्री चैप्टर बिकॉज द वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी फ्रॉम द साइकोमेट्री चैप्टर, बिकॉज इन दैट सम बेसिक डेफिनेशन विल बी देयर एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल इज आस्किंग ऑन द बेसिस ऑफ सम बेसिक डेफिनेशन। जैसे पूछा ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक्सप्लेन द टर्म ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वी नो दैट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट द टेम्परेचर विच आर मेजर बाय द ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर इज नथिंग बट दैट इज मेजर बाय द व्हेन अ वेट स्टिक द क्लॉथ द वेट क्लॉथ इज माउंटेड ऑन अ स्टिक एंड नाउ मूविंग इन एयर दैट इज एब्जॉर्ब एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टू बी मेजर वेट बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वी ऑल नो दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ एयर। नाउ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर टू द मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर, इट मीन्स ये सारे बेसिक डेफिनेशन था जो आसान था, आप लिख सकते थे ऑल दिस डेफिनेशंस टू बी वेरी इजी। एक दो लाइन डेफिनेशन है, मैंने पहले ही बताया था कि आप एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ के जाएँ और उसमें से एक ऑटो साइकिल का बेसिक और डीजल साइकिल का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएँ, उससे आना ही है। और यहाँ पे पूछ लिया एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल द कंप्रेशन रेशियो विल बी देयर, ऑल थिंग टू बी मेंशन, नाउ डिटरमिन द कट ऑफ रेशियो द साइकिल एफिशिएंसी एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर। कितना आसान सवाल है, एंड 10 मार्क्स में ये पूछा गया आपको। यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो इट मीन्स आर का वैल्यू 16 दिया हुआ था, इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो गिवेन 0.1 मेगा पास्कल एंड द इनिशियल टेम्परेचर इज ऑल्सो मेंशन 15 डिग्री सी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इट मीन्स T3 विल बी गिवेन 18 डिग्री सी 80 डिग्री सी, ये सारे दिए हुए थे आप इसके बेसिस पे। गामा का वैल्यू आप एडियाबेटिक 1.4 लेके जूम करके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। PVTS डायग्राम आपको बनाना था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट PV डायग्राम दिस इज कॉल्ड PV डायग्राम। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड TS डायग्राम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट we can easily analyze all this process। आप सभी को अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, आसान था,
कोई बड़ी बात नहीं था, चारों क्वेश्चन आप कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन इसमें था पहला और फोर्थ को आंसर करना। फर्स्ट एंड फोर्थ इज वेरी इजी, ऑल ऑफ फोर सब में ये दो सवाल आसानी से, लेकिन चारों कर सकते थे, सारे बेसिक सवाल है, इसमें कोई आपसे ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछा गया, सवाल ऐसे ही आता है, हमें लगता है क्वेश्चन टफ पूछा गया। चले ग्रुप बी भी देख लेते हैं। ग्रुप बी के तरफ वी ऑल नो डैट द थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग इज कंप्राइज ऑफ टू सब्जेक्ट्स बेसिकली, द वन इज थर्मोडाइनमिक्स एंड इट्स अप्लीकेशन एंड द वन इज द हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। नाउ द ग्रुप बी क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद द हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, और मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब भी आप थर्मल साइंस पेपर को आप लेके जाएँ तो उसमें कम से कम आप हीट एक्सचेंजर और रेडिएशंस को जरूर कंप्लीट मॉड्यूल पढ़ लें, क्योंकि उसी से दो सवाल आपके आने हैं, और अच्छे से पढ़ के जाएंगे तभी दो आप अच्छे से करके आ पाएंगे, अगर टाइम मिले तो कंडक्शन भी कर लेंगे, नहीं किए होंगे कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया होगा। पहला क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन से पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, एक्सप्लेनेशन सम एजम्पशंस ऑफ द फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी देयर, मेंशन द एजम्पशंस ऑन विच इट इज़ बेस्ड एंड ऑल्सो डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारे आसान क्वेश्चन हैं, एंड वी ऑल नो डैट द वन डायमेंशन माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, दिस इज द रिलेशन ऑफ फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, वेयर द एजम्पशंस इज द वन डायमेंशनल द थर्मल कंडक्टिविटी विल बी कॉन्स्टेंट, ये सारे इसके एजम्पशंस हैं। बी पार्ट पूछा गया वट इज द क्रिटिकल थिकनेस, वाई एन इंसुलेटेड स्मॉल डायमीटर वायर हैज अ हायर कैरिंग कैपेसिटी देन एन इंसुलेटेड वायर, वट इज द क्रिटिकल थिकनेस, क्रिटिकल थिकनेस इज नथिंग बट इट इज़ अ रीजनेबल थिकनेस अप टू विच द हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीजेज, द फर्स्टली इंक्रीजेज आफ्टर डैट डिक्रीजेज लाइक डैट। सपोज दिस इज द क्रिटिकल रेडियस, दिस इज द आर वन एंड दिस इज कॉल्ड आर टू, दिस इज फर्स्ट इट इज इंक्रीजेस अप टू द क्रिटिकल पॉइंट एंड इट कॉल आफ्टर दैट इट इज डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल थिकनेस, द थिकनेस अप टू विच द हीट ट्रांसफर विल बी इंक्रीजेस आफ्टर दैट द हीट ट्रांसफर विल बी डिक्रीजेस, एंड दिस कैन बी फॉर क्रिटिकल, अगर सिलेंडर की आप बात करें तो होता है के बाई एच, और स्फेयर की बात करें तो ये होता है 2k/h, इट बेसिकली द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ रेडियस ऑफ इंसुलेशन इज द फंक्शन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये चीज़ें होता है। सी पार्ट है सेचुरेटेड स्टीम, ये दिया हुआ था हाउ द हीट लॉस वुड बी अफेक्टेड विद इन द 5 cm थिकनेस इंसुलेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी, सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ हीट ट्रांसफर बाय फोर्स कन्वेक्शन, व्हाट फोर्स कंट्रोल द फ्लूइड मोशन, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, देयर आर टू टाइप ऑफ द कन्वेक्शन आपको सिलेबस में मेंशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वेक्शन विल बी देयर, द वन इज फ्री एंड द अनदर इज फोर्स कन्वेक्शन। नाउ द फोर्स कन्वेक्शन इज आस्किंग, इट मीन्स द फोर्स इन्फ्लुएंसेस द फोर्स कन्वेक्शन प्रोसेस इज नथिंग बट द फोर्सेस और द नंबर टू बी इन्फ्लुएंसेस इज लाइक एनर्जी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर इज मोर सिग्निफिकेंट नंबर टू एनालाइज द फोर्स कन्वेक्शन प्रोसेस। तो सिंपल डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया, मॉड्यूल से उठाया गया है, रख दिया गया आपके सामने। देखिए मैंने रेडिएशन से बोला था और सवाल आया भी है, स्टेट एंड प्रूव दैट क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, स्टेट एंड प्रूव दैट क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कहता है, व्हेन इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्सॉर्प्टिविटी एंड इमिसिविटी आर मस्ट बी इक्वल, फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम द एब्सॉर्प्टिविटी एंड इमिसिविटी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल, इट स्टेट दैट द एब्सॉर्प्टिविटी अल्फा इज इक्वल टू द एप्साइलन इमिसिविटी दैट, और इसका प्रूफ है जो आपके पास मिल जाएगा। एंड नाउ सी पार्ट इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेडिएशन चैप्टर, तो रेडिएशन से भी एक कंप्लीट सवाल है आप यहाँ पे देखेंगे तो।
अब ब्लैक बॉडी ऑफ टोटल एरिया इज कम्प्लीटली इनक्लोज इन स्पेस बाउंडेड बाई 5 सेंटीमीटर थिक वॉल. द वॉल हैव द सर्फेस एरिया 0.5. थर्मल कंडक्टिविटी इज मेंशन. ऑल दिस थिंग टू वे नेग्लेक्टिंग द डिफरेंसेस द इनर एंड आउटर सर्फेस एरिया कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. वी ऑल नो डैट द बेसिकली क्यू इक्वल टू होता है सिग्मा ए डेल्टी टू द पावर 4. इसके बेसिस पर जहाँ सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमान कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 5.67 × 10⁻¹⁸ वॉट पर मीटर स्क्वायर के टू द पावर 4. इसके बेसिस पे आपको निकाल लेना था. कोई बड़ी बात मीटर स्क्वायर तो आसान है. रेडिएशन से कंप्लीट सवाल था और है भी जैसे बोला गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ फिन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन एफिशिएंसी. ऑल्सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम द हीट कंडक्शन एक्सटेंडेड सरफेस. फिन को क्या कहा जाता है, एक्सटेंडेड सरफेस. और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द फिन, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हीट का डिसिपेशन होना चाहिए और इसका स्लोप होता है m इक्वल टू एच ए बाई के पी. इस पे, इसके बेसिस पे डिजाइन किया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिन इफेक्टिवनेस एंड फिन एफिशिएंसी. अगर फिन इफेक्टिवनेस की बात करें तो एक्चुअल टू द मैक्सिमम होता है और यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी विथ फिन टू द विदाउट फिन का रेशियो होता है. तो ये सारे कोई डेफिनेशन बड़ी बात नहीं था. सेकेंड का बी, दिस इज फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर चैप्टर. नाउ एंड द सेकेंड का सी, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द हीट एक्सचेंजर चैप्टर. ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर इन द टर्म्स ऑफ एन टू यू. नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट के टर्म में हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस निकालना था जब ये पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर हो. और पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अगर हो तो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 1 - e⁻ - nTU 1 - r / 1 - e⁻ - nTU. तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते थे. काउंटर फ्लो के लिए, पैरेलल फ्लो के लिए आसानी से. ये दो चीज़ें तो मैंने बोला था कि आप जब भी हीट एक्सचेंजर चैप्टर को पढ़ें, काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट पढ़ लें, इफेक्टिवनेस, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस आज अभी नोट कर लें. इस बार इफेक्टिवनेस पूछा, अगले बार इधर काउंटर फ्लो या पैरेलल फ्लो का 10 मार्क्स में उसका एक्सप्रेशन पूछेगा LMTD का, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंसेस का. नाउ सेकेंड का सी, स्टीम इंजन इज ट्रांसफरिंग द थर्मल एंड कंडक्शन टेम्परेचर फ्लो रेट. ये सारे बेसिक थे, न्यूमेरिकल बेस थे. व्हाट इज द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड टू हैंडल दिस लोड. तो आप कर सकते थे, ये न्यूमेरिकल बेस था. आपको ऑप्शन सारे क्वेश्चंस होने वाले थे. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडीशन. व्हाट इज द एप्लीकेशंस. लम्प्ड सिस्टम कहने का मतलब ये होता है कि इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस 0 हो जाए एंड बायोट नंबर का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.01 हो जाए. दैट इज कॉल्ड लम्प्ड सिस्टम एनालिसिस एंड दैट इज कॉल्ड अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर. व्हेन द अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर विल बी देयर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हीट ट्रांसफर. द वन इज स्टेडी स्टेट कंडक्शन एंड द अनदर इज अनस्टेडी स्टेट कंडक्शन. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट एंड लम्प सिस्टम एनालिसिस टू बी यूज इन द केस ऑफ अनस्टेडी स्टेट कंडीशन, जहाँ पे आप कूलिंग रेट की बात करते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन. एक्सप्लेन द सीडर एंड इक्वेशन वेयर द दिस अप्लाइड. राइट नोट्स ऑन थर्मल एंड हाइड्रोडायनामिक फ्लूइड डेवलप. ऑल दिस, ये प्रांटल नंबर, ये सब चीज़ें जब आप हम सबका स्टडी मटेरियल या वीडियो लेक्चर में देखेंगे तो बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा गया. आप किसी का आंसर करते और सभी आंसर करने वाले थे इसमें. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 में बी जो पार्ट है, ये क्वेश्चन वो थोड़ा सा अलग सा था, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है. 5 नंबर में क्वेश्चंस थे, सब चीज़ें आपके हाथ में था,
सब आसानी से आप आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ग्रुप सी। इसमें से भी जितने मैंने चैप्टर बताया था, मैंने बोला था 20 में से कम 10 मार्क्स आप कर सकते हैं। डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। अगर कोई दो बॉडी हो एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, कोई थर्ड बॉडी आएगा तो वो भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, वी ऑल नो दैट इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शंस के वजह से इरिवर्सिबिलिटी आता है। व्हाट इज़ हीट पम्प, हाउ इट डिफर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। हीट पम्प क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे हीट पम्प में हम क्या करते हैं, डायग्राम बना देंगे। और हीट पम्प हीट रेफ्रिजरेटर से कैसे डिफर होता है, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर। हीट पम्प इज़ नथिंग बट इट मेंटेन द टेम्परेचर अबव द सराउंडिंग टेम्परेचर। द रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट इट मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग। ऑल दिस टू प्रोसेस इज वर्किंग ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट द बेसिक डिफरेंसेज इज द हीट पम्प मेंटेन द टेम्परेचर अबव द सराउंडिंग एंड द रेफ्रिजरेटर मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग। ये भी होने वाला था। Define the compression ratio and cut-off ratio of the IC engine. We know that the compression ratio, if you go through the Otto and diesel cycle, you can easily define the compression ratio and cut-off ratio. The compression ratio, we know that the compression ratio can be used in both Otto and diesel cycle, V1 by V2. But the cut-off ratio only can be used in the case of diesel cycle or dual cycle, when the volume of the gases to be cut off, the expansion initial volume to the during the expansion, the initial volume V1 by V2 का जो ratio होता है उसे आप compression ratio कहते हैं। And the V3 by V2 जहाँ पर heat supplied होता है constant pressure diesel cycle में, वहाँ का volume का जो ratio होता है उस process का उसे cut off ratio कहते हैं। ये भी question आसानी से लिखा जा सकता था। Write steady flow energy equation and point out the significance of various term involved. Steady flow energy equation, we know that the first law of thermodynamic system can be applies steady flow as well as non-steady flow. It means the closed system and open system. When the open system will be there, that will be called steady flow energy equation. And we all know that the steady flow energy equation is H1 plus V1 square by 2 plus Z1G plus del Q equal to V2 square by 2 plus Z2G plus DW. This and the enthalpy, velocity, potential head, heat transfer, all this term to be mentioned like that. Ye sab aap jante hain. This is also easy. Define the safe factor and view factor. मैंने बोला था radiation आप पढ़ के जाएँ, and the safe factor and view factor is the part of the radiation. और ये क्या कहता है, the fraction of radiation energy leaving by the surface and received by the other surface is called safe factor or view factor. ये भी question आसान था। Distinguish between the black body and grey body. We all know that the black body is depend upon the wavelength, but the grey body is independent of the wavelength. The emissivity is constant of the grey body. ये भी आसान था। How does film boiling differ from the nucleate boiling? ये थोड़ा difficult था, क्योंकि ये free convection जब आप condensing पढ़ते हैं तो जाके होता, तो ये एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था। लेकिन कम टाइम में, कम ड्यूरेशंस में पेपर को आसानी से अटेम्प्ट करना था तो आप ऐसे कर सकते थे। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस था, ये भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया था हाउ डट ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन डिफर फ्रॉम स्टेडी स्टेट, ये किया जा सकता है हीट कंडक्शन से, क्योंकि ट्रांजिएंट में हीट ट्रांसफर टाइम के साथ चेंज होता, लेकिन स्टेडी स्टेट में हीट ट्रांसफर टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इट मीन्स इन द आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस, द शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू टाइप, देर आर ओनली 2 क्वेश्चंस इज नॉट गेसिंग फ्रॉम माय साइड। वो 2 क्वेश्चंस छोड़ के बाकी 16 नंबर का क्वेश्चन 20 में से किया जा सकता था। आप मेरा वीडियो थर्मल साइंस का मॉड्यूलेशन यूट्यूब चैनल पर जाके देखें, हूबहू अगर वैसे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया होगा फिर आप पूछेंगे कि क्यों नहीं आया। एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम डैट, जो डिस्कस किया था मैंने उसी से सवाल आया। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
कि सवाल जैसे पूछा गया है आप देखेंगे। जैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ अभी भी आप तरफ पढ़ ले, फर्स्ट लॉ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेंगे, बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फर्स्ट लॉ पढ़ लेंगे कम्प्लीटली, सेकेंड लॉ पढ़ लेंगे, इंट्रोपी पढ़ लें, इंट्रोपी पढ़ लें ये टॉपिक, फिर आप साइक्रोमेट्री, साइक्रोमेट्री पढ़ लें, ऑटो डीजल साइकिल पढ़ लें, ये सिर्फ टॉपिक है, ऑटो डीजल साइकिल पढ़ लें, बस इतने आप पढ़ के जाएं। ग्रुप ए में से दो क्वेश्चन आसानी से, ये ग्रुप ए के पार्ट होंगे क्वेश्चंस का, और ग्रुप बी में आप सिर्फ पढ़ लें पहला हीट एक्सचेंजर पढ़ लें, हीट एक्सचेंजर पढ़ लें, द सेकेंड रेडिएशन पढ़ लें, और आपको टाइम मिले तो आप कंडक्शंस पढ़ लें, कन्वेक्शन मैं प्रीफर नहीं करूँगा। ये पढ़ के जाएं आप आसानी से दो क्वेश्चन करके आ सकते हैं, और ग्रुप सी में कम से कम 50% 10 मार्क्स, यहाँ तो 16 मार्क किया जा सकता था, इसी से आपके सवाल सब हो जाएंगे। ग्रुप बी तो सबसे आसान है, ग्रुप बी ये सब सिलेबस जो कवर किया जा सकता है, ओनली द ग्रुप बी पार्ट इज कवर इन 15 आवर एंड दिस इज कवर इन अप्रॉक्सली 25 आवर, इट मीन्स इन टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर कम्प्लीट प्रिपरेशन फॉर द थर्मल साइंस इंजीनियरिंग 40 आवर, इसलिए एग्ज़ाम में टाइम मिलते हैं। अगर आप अभी से लग जाएंगे और 1 आवर डेली देते हैं तो 40 घंटे, इट मीन्स अप्रॉक्स 45 डेज में रिलैक्स मूड के साथ आप पढ़ेंगे, इट इज़ टू बी कम्प्लीटली स्टडी इन द प्रॉपर मैनर, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत जो पेपर हुआ है सबको एक्सप्लेन करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऑल थिंग टू बी डिस्कस विथ यू, आप बने रहें। और अभी तक आपने कोर्सेज हमारा नहीं लिया है तो आप मॉड्यूलेशन से ले सकते हैं कोर्सेज, काफ़ी इफेक्टिव स्टडी मटेरियल है, वीडियो लेक्चर है, दोनों आप मंगाएं ताकि इफेक्टिव वे में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।